हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने हाउसवाइफ की कुछ क्वालिटीज़ आपको बताई थी। अरे सब इनहेरेंट है, ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती थोप रहे हैं अपने आप पे। ये शायद हमारे अंदर से ही है, हर हाउसवाइफ के, हर लेडी के रादर। और एक जो क्वालिटी जो मैं मेंशन करना भूल गई, और वो है एस्थेटिक सेंस। सब लेडीज़ में होता है ये एस्थेटिक सेंस, अपने को खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना, अपने अच्छे से ड्रेसअप होना, और चाहते हैं कि सब हमें अप्रिशिएट करें कि हमने क्या पहना है कैसे, और साथ में अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी। चाहे हस्बैंड बेचारा उतना ज़्यादा बौदा ना करता हो अपनी ड्रेसअप, लेकिन लेडीज़ को रहता कि हस्बैंड भी बहुत सही तरीके से तैयार हों। जैसे कि अभी मैंने एक mirror.com का एक ऐड देखा, उसमें लेडी जो है जो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप हो रखी है, साड़ी बढ़िया ज्वेलरी, और इंतज़ार करे अपने हस्बैंड का। बाहर तैयार हस्बैंड तैयार होके आता है, और जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस में है, वो भी दुपट्टा गले में लटका के, और वो जैसे ही आता अपनी वाइफ को देखता है, उसका वाइफ कहता क्या है, फिर से वही कपड़े, जाके चेंज करके आओ। हो सकता है कि वो 3-4 फंक्शन में उसने फिर से रिपीट करना चाहता होगा। उसको जेंट्स को असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि तुम ही लोग इतना बॉदर करते, हमें तो नहीं करता। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास और आप लोगों के पास मैंने कहा ना कोई कलर ज़्यादा होते हैं, कोई चॉइसेस ज़्यादा नहीं होती, तो पहनना तो आपने वही है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, इस तरह के क्लोथ्स। अब लाल पीले तो नहीं पहनेंगे ना, तो फिर इसलिए फिर उनके पास तो चॉइस का, उनके तो मजबूरी की चॉइस नहीं है कलर्स की और कोई, और बहुत जल्दी तैयार भी हो सकते हैं, लेकिन लेडीज़ को तैयार होना बहुत टाइम लगता है ना। तो अभी जैसे एस्थेटिक सेंस का ये भी, इसीलिए शायद वो अपना घर इतने अच्छे से डेकोरेट करती हैं, क्योंकि उनमें एक सेंस है जो कि जेंट्स में नहीं पाया जाता है। और अभी जैसे मुझे अभी याद है कि अगर आप एक साड़ी जो है वो आप पहन लीजिए एक फंक्शन में, और उसके बाद 3 साल बाद भी अगर कोई फंक्शन में आपने साड़ी रिपीट कर दी, ओह तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि आपकी साड़ी पे दुनिया के कमेंट हो जाएंगे, कई लेडीज़ के, अरे ये वही साड़ी नहीं आपने पिछले फंक्शन में पहनी थी 3 साल पहले, और उनको याद रहता है कि किसने कब पहनी थी और कौन सी शादी थी और कौन सा फंक्शन था या क्या था। तो अगर हम भूल जाएँ, पर दूसरा हमें बहुत याद दिलाते हैं, और ये लेडीज़ की याददाश्त इस मामले में बड़ी तेज़ होती है कि दूसरों के कपड़े जो हैं उनको हमेशा याद रहते हैं। तो बस हम लोगों का इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि हमें हर फंक्शन में हमें एक नई साड़ी चाहिए, और नहीं पहनेंगे तो फिर वही है, आपको सुनना पड़ेगा कि आप रिपीट कर रहे हैं। तो अभी जैसे ये एस्थेटिक सेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड वो भी मेरे पे डिपेंड हैं काफ़ी। उनको लगता है कि ये मेरे को सही सजेस्ट करेगी। तो जब कोई सोशल फंक्शंस होते हैं तो मेरे हस्बैंड अपने सूट, अपना टाई, अपने कुछ शर्ट्स लेके आ जाते हैं मेरे पास, ये मैं इस सूट के साथ कौन सी टाई पहनूँ, कौन सा शर्ट पहनूँ बताओ, तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि हम लोगों को शायद कलर कॉम्बिनेशंस का ज़्यादा पता रहता है कि किस कलर के साथ क्या चलेगा। आई थिंक वो हमारे में इनहेरेंट है, और इसलिए फिर हम लोग बता सकते हैं, और इससे वो बार बार हमारे हस्बैंड को हम पे कॉन्फिडेंस रहता है सभी को, और कि सही गाइड करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लेडीज़ जो हैं वो भगवान ने उनको इस तरह का एक और सेंस दिया है, और ये सभी को है। तो अभी मैं यही सोचती हूँ कि अगर हाउसवाइफ की बात करूँ तो अंडरएस्टिमेट करना तो बेकार होता है। वो तो सब कुछ कर सकती हैं, शी इज़ अ सुपर वूमन, और उनको जो है बस यही है कि उनको सब अप्रिशिएट करें उनके काम के लिए। थैंक यू सो मच।